गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अध्याय 13। आज का अपना टॉपिक है डेविसन एंड द्रम्मर का प्रयोग। तो देखिए, डेविसन तथा जो द्रम्मर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के विवर्तन को दर्शाया था कि इलेक्ट्रॉन किरण जो कुंड होती है उसका विवर्तन भी क्या होता है, संभव होता है, ठीक है ना। और उस इलेक्ट्रॉन विवर्तन को दर्शाने के लिए इन्होंने इलेक्ट्रॉन किरण से संबंधित जो तरंगें है वो एक्स किरण, कौन सी किरण, एक्स किरण जो होती है उसकी तरंग दैर्ध्य कोटि के बराबर लिए। इलेक्ट्रॉन किरण द्रव तरंगें जो होती है उनकी जो तरंग दैर्ध्य कोटि होती है वो एक्स किरण कोटि की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, तुल्य होती है। यह मानकर इन्होंने एक प्रयोग किया जिसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन के विवर्तन को दर्शाया गया, ना इलेक्ट्रॉन किरण दो कुंड उसके विवर्तन को दर्शाया गया। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन विवर्तन दर्शाने के लिए इसकी जो व्यवस्था होती है वो चित्रानुसार की गई थी। प्रयोग की जो व्यवस्था है इसमें क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन गन होती है जो एक तो उच्च स्रोत से संयोजित होती है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए हाई टेम्परेचर से इसको क्या किया जाता है, संयोजित किया जाता है। ये टंगस्टन तंतु की बनी होती है जिस पर बेरियम ऑक्साइड क्या होता है, लेप होता है, ठीक है। अब इससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की दिशा को निश्चित करने के लिए इसके सामने क्या एक बेलनाकार पृष्ठ रखा गया, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के विवर्तन के लिए निकल पृष्ठ का उपयोग किया जाता है। तो ये आपके पास जो पृष्ठ है ये क्या है, निकल पृष्ठ है, ठीक है, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को विवर्तित करेगा। अब इन इलेक्ट्रॉनों की किरणों की तीव्रता के मापन के लिए एक वर्ताकार पैमाने पर, इस वर्ताकार पैमाने पर जाता है चल संग्राहक, जिसके ऊपर क्या लगा होता है, एक सेशन चल रहा होता है जिसमें गैस भरी होती है, जिसकी सहायता से इसमें विवर्तित इलेक्ट्रॉन किरण की तीव्रता का मापन किया जाता है और इसमें उत्पन्न धारा है वो इलेक्ट्रोमीटर द्वारा मापी जाती है, ठीक है ना। तो देखिए, डेविसन यंत्र पर प्रयोग, इस प्रयोग द्वारा सर्वप्रथम तरंग प्रकृति का सत्यापन किया गया। इस प्रयोग द्वारा यह प्रदर्शित किया गया कि इलेक्ट्रॉन किरण पुंज का विवर्तन संभव है। गतिशील इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग द्रव्य की तरंग दैर्ध्य जो होती है वो एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है। एक्स किरणों के विवर्तन के लिए एक क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है जो निकल धातु का बना होता है, तथा जब इस इलेक्ट्रॉन गन को उच्च ऊर्जा स्रोत से संयोजित किया जाता है तो इससे क्या इलेक्ट्रॉन संयोजित होंगे, उनकी दिशा निश्चित करने के लिए पहला का पृष्ठ होता है जिससे इलेक्ट्रॉन निकल का निकल पृष्ठ पर आपतित होते हैं और इसकी सहायता से एक विशेष कोण पर जो विवर्तित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज है वो प्रकीर्णित होती है या विवर्तित होती है। इस विशेष कोण को क्या कहा जाता है, प्रकीर्णन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकीर्णन कोण कहा जाता है। ये जो थीटा आपके पास, इसको क्या कहा जाता है, प्रकीर्णन कोण कहा जाता है। प्रारंभ में ये जो आपके पास प्रकीर्णन कोण प्राप्त हुआ था वो 50 डिग्री प्राप्त हुआ था। 50 डिग्री पर जो वोल्टता देखी गई थी इलेक्ट्रॉन गन की वो थी 54 वोल्ट, कितनी थी 54 वोल्ट, और इसकी सहायता से इसके तरंग दैर्ध्य का जो मापन किया गया वो प्राप्त हुई थी लैम्डा बराबर 0.165 एनम प्राप्त हुई थी, ठीक है ना, सॉरी एंगस्ट्रॉम में। अब इस 50 डिग्री प्राप्त 54 वोल्ट के लिए जो तरंग दैर्ध्य प्राप्त हुई है इसका जो सत्यापन है वो डी ब्रोगली समीकरण द्वारा किया गया। तो डी ब्रोगली समीकरण इलेक्ट्रॉन समीकरण क्या होती है, 12.27√V, क्योंकि V की वैल्यू कितने वोल्ट पर प्राप्त हुए थे आपके पास, 54 वोल्ट पर, तो 54 वोल्ट इसकी वैल्यू होती है, इसलिए लैम्डा बराबर 12.27√54, ठीक है। इसको हल करेंगे तो आपके पास इसका जो हल आएगा वो आएगा लगभग 0.167 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए, जो सत्यापित मान था, जो प्रायोगिक मान है ये 0.165 और ये सत्यापित मान है, तो लगभग क्या है, ये बराबर है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन किरण का विवर्तन क्या होता है, संभव हो सकता है। और ये जो प्रयोग है वो कितने वोल्ट से कितने वोल्ट के मध्य किया गया, 44 वोल्ट से लेकर 64 वोल्ट के मध्य किया गया, ठीक है ना। इनके लिए विशेष वक्र भी पूछे जाते हैं, तो विशेष जो वक्र होते हैं वो क्या है ये वो देख लीजिए। पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन किरण का विवर्तन है तो वोल्टता और विकिरण कोण से संबंधित जो आरेख है उनको दर्शाइए। तो देखिए, वो देख लेते हैं आरेख।
तीनों बना देता हूँ मैं, तीन आपको आ रहे गिरफी इसमें। ये देखा 44 वोल्ट पर, ये का मान है 44 वोल्ट, ये विवर्तित इलेक्ट्रॉन पिन कौन होगी साइड में, देखिए इससे संबंधित इलेक्ट्रॉन पिन कौन सा, थोड़ा सा बड़ा ये विवर्तित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज और हम ले रहे हैं वी बराबर 44 वोल्ट। तो 44 वोल्ट पर फ्रीक्वेंट पॉइंट से संबंधित आपके पास जो फ्रीक्वेंट पॉइंट प्राप्त हुआ था इससे संबंधित जो होकर है वो ऐसे प्राप्त होता देखिए इस प्रकार, ठीक है। इसी प्रकार अगला जो है वो है 54 वोल्ट के लिए, 54 वोल्ट के लिए अभी आपने देखा था 50 डिग्री का प्रतिबिंब कोण प्राप्त हुआ था, यहाँ कितने के लिए देखे हैं 54 वोल्ट के लिए, ठीक है। तो इसके लिए विवर्तित इलेक्ट्रॉन के मध्य यदि आरेख देखते हैं तो इस प्रकार बनता है, ठीक है ना, इस प्रकार आपके पास ये वक्र प्राप्त होता है। इसी प्रकार एक और है 64 वोल्ट के लिए, 64 वोल्ट के लिए जो वक्र प्राप्त होगा आपके पास वो ये होगा, तो 44 वोल्ट के लिए, 54 वोल्ट के लिए और 64 वोल्ट के लिए जो आपके पास विवर्तित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज में वक्र प्राप्त हुआ है वो इस प्रकार इनको दर्शाए गए हैं, ठीक है ना। तो डेविसन रबर प्रयोग द्वारा विवर्तित इलेक्ट्रॉन किरण इलेक्ट्रॉन किरण का क्या हो सकता है, विवर्तन हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हाइजेनबर्ग की हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। तो देखिए हाइजेनबर्ग ने क्या बताया था, हाइजेनबर्ग के अनुसार यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि किसी भी एक कण का एक ही दिशा में, ठीक है ना, एक ही दिशा में और एक ही समय पर एक साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन और संवेग में परिवर्तन को नियत नहीं किया जा सकता है। यदि किसी कण की स्थिति को नियत करते हैं तो कण का संवेग परिवर्तित हो जाता है, और यदि किसी कण के संवेग को नियत करते हैं तो कण की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहलाता है। और इन्होंने हाइजेनबर्ग ने बताया था कि किसी भी कण की स्थिति में, जैसे मान लीजिए एक्स घटक के लिए देखें हम, तो किसी भी कण की स्थिति में जो परिवर्तन होता है एक ही दिशा में, मान लीजिए कण की स्थिति में परिवर्तन डेल एक्स और संवेग में जो परिवर्तन है वो है डेल पी एक्स, तो इनका जो गुणनफल होता है उनका लगभग मान निकाला था इन्होंने कि कण की स्थिति में परिवर्तन और कण के संवेग में परिवर्तन का जो गुणनफल होता है वो लगभग एक्स घटक गुण टू के तुल्य होता है। एक नियतांक दिया था जिसका मान कितना होता है, इसे श्रोडिंगर नियतांक भी कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है अपॉन 2 पाई, ठीक है ना। तो आपके पास ये वैल्यू होती है और इसका निश्चित मान भी ले सकते हो डायरेक्ट, जिसका मान होता है 1.054, आप ले देता हूँ 1.054 गुणा 10^34 जूल सेकंड, ठीक है ना। तो क्या बताया जाता है, हाइजेनबर्ग के अनुसार एक ही समय पर एक ही दिशा में एक साथ किसी भी कण की स्थिति के संवेग में परिवर्तन और स्थिति में परिवर्तन को एक साथ निश्चित नहीं किया जा सकता। यदि किसी कण की स्थिति
को नियत करते हैं तो कण के संवेग में परिवर्तन हो जाता है, और कण के संवेग को नियत करते हैं तो कण की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। तो यह क्या कहलाता है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत कहलाता है। हाइजेनबर्ग के अनुसार एक ही दिशा में कण की स्थिति में परिवर्तन डेल एक्स और एक्स घटक के अनुदिश दे रहे हैं, कण की स्थिति में परिवर्तन डेल एक्स और संवेग में परिवर्तन डेल पी एक्स है, एक्स एक्स के अनुदिश। तो स्थिति में परिवर्तन और संवेग में परिवर्तन का जो गुणनफल होता है वो एक नियतांक के तुल्य दिया जाता है। तो हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार यदि आपको पूछा जाए तो कण की स्थिति में परिवर्तन और संवेग में परिवर्तन का जो गुणनफल होता है वो एक्स घटक अपॉन 2 के क्या होता है, लगभग तुल्य होता है। इसे एक्स घटक को श्रोडिंगर नियतांक भी कहा जा सकता है। इसी प्रकार वाई घटक के अनुदिश देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डेल वाई गुणा डेल पी वाई अपॉन। इसी प्रकार जेड घटक के अनुदिश देख सकते हो, डेल पी जेड लगभग अपॉन, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार इन्होंने क्या बताया था, किसी कण की ऊर्जा में परिवर्तन डेल ई और समय जो समय है उनको भी ऐसा नियत किया था कि मान लीजिए इसका मान जो लगभग होता है वो एच के अपॉन 2 की क्या होता है, तुल्य होता है। कि किसी कण के लिए उत्पन्न ऊर्जा और उससे संबंधित समय कि कितने समय तक ऊर्जा वो उत्पन्न हो रही है कितने समय में, तो उसका जो गुणनफल होता है वो भी लगभग इसके क्या होता है, एच अपॉन 2 के तुल्य होता है। डेल भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कई बार देखे लगभग के स्थान पर क्या मान दे दिया जाता है, ये भी दे दिया जाता है इस प्रकार, ठीक है। तो ये हाइजेनबर्ग के अनुसार सिद्धांत था, ये हाइजेनबर्ग के अनुसार एक साथ एक ही समय पर एक ही दिशा में किसी कण की स्थिति और संवेग को एक साथ नियत करना क्या होता है, असंभव होता है, ठीक है। अब देखते हैं न्यूमेरिकल इससे संबंधित कुछ। देखिए अपना क्वेश्चन, यदि किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता जीरो पॉइंट एक एनएम हो, स्थिति में अनिश्चितता कितनी है 0.1 एनएम हो, तो उसके संवेग की अनिश्चितता में अनिश्चितता की गणना कीजिए, अनिश्चितता की गणना कीजिए। क्या कह रहा है, यदि किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता कितनी हो 0.1 एनएम हो तो उसके संवेग की अनिश्चितता की गणना कीजिए। तो देखिए हमारे अनुसार क्या दे रखा है, एनसीओ लिखते हैं प्रश्न अनुसार, हमारे जी एक्स एक्स के अनुदिश पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता अर्थात डेल एक्स की वैल्यू दे रखिए 0.1 एनएम। तो डेल एक्स बराबर यदि इसको मीटर में बदलते हैं तो 0.1 × 10⁻¹⁹ मीटर। और भी हल कर सकते हो, डेल एक्स बराबर 1 × 10⁻¹⁹ मीटर। और ये कितनी है, तो एक एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हो आप इसको। इसी प्रकार आपको पूछा क्या है प्रश्न में, संवेग की अनिश्चितता पूछी है डेल पी एक्स,
इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है ना। तो हमारे अनुसार क्या कहता है, हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से हाइजेन वर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत से अनिश्चितता सिद्धांत से क्या कहता है, डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स इसका जो मान होगा लगभग किसके तुल्य होगा, एसके अपॉन टू के तुल्य होगा, ठीक है। तो डेल एक्स डेल पी एक्स निकालना आपको, तो डेल एक्स तो आपके पास डेल एक्स की वैल्यू इधर की है वर्क की है तो बराबर लिखिए इसको पहले कुनी है, तो डेल एक्स की वैल्यू इधर की है एक गुना जिसकी घात माइनस दस गुना डेल पी एक्स आजकल की कितनी होती है बताई थी आपको 1.054 गुणा 10 की घात माइनस 34 डेल लिख देते हैं अपॉन 2 डेल पी एक्स वैल्यू निकालते हैं 1.054 गुणा 10 की घात माइनस 34 2 इंटू 1 10 की घात माइनस 10 हल करते हैं। तो हल करेंगे तो देखिए कितना आएगा, ये होगा आपके पास डेल पी एक्स बराबर डेल पी एक्स बराबर दो का इसमें भाग देते हैं 0.527 गुणा 10 की घात ये मैंने 10 बुलाया प्लस की रही तो माइनस की 24 समय का मान क्या होता है मीटर प्रति सेकंड होता है क्या होता है देखो संवेग का मात्रक लेंथ क्लास में आपने देखा भी है क्या होता है ये होता है एमपी द्रव्यमान का क्या होता है केजी संवेग का क्या होता है मीटर सेकंड इनवर्स तो इसके अनुसार इसका मात्रक लिखेंगे तो क्या देगा 0.527 गुणा 10 की घात माइनस 24 केजी मीटर प्रति सेकेंड। तो इस प्रकार कण की स्थिति में सॉरी संवेग में परिवर्तन को आप ज्ञात कर सकते हैं अनिश्चितता सिद्धांत की सहायता से। ये तो स्थिति और संवेग से संबंधित आ गया। अब देखते हैं ऊर्जा और समय से संबंधित किस प्रकार का संबंध करा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी परमाणु में किसी किसी परमाणु में एक उत्तेजित ऊर्जा स्तर का एक उत्तेजित ऊर्जा स्तर क्या कह रहा है, किसी परमाणु में एक उत्तेजित ऊर्जा स्तर का आयु काल 1×10⁸ सेकंड है, स्तर का आयु काल 1×10⁸ सेकंड है। किसी परमाणु में एक उत्तेजित ऊर्जा स्तर का आयु काल 1×10⁸ सेकंड है। उत्तेजित अवस्था से उत्तेजित अवस्था से संक्रमण अवस्था में उत्तेजित अवस्था से संक्रमण में संक्रमण में क्या कह रहा है, किसी परमाणु में एक उत्तेजित ऊर्जा स्तर का आयु काल 1×10⁸ सेकंड है। उत्तेजित अवस्था से संक्रमण में
और सचिन फुटबॉल की आवर्ती याद कीजिए। सुनकर मैं उत्तेजित, प्रोटोन की आवर्ती में अनिश्चितता ज्ञात कीजिए। अनिश्चितता ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं, किसी परमाणु में एक उत्तेजित ऊर्जा स्तर का आयु काल, तो टी की वैल्यू दे रखी है आपको, तो एंसर में पहले लिख लीजिए आप क्या दे रखा है, डेल टी, इसकी वैल्यू दे रखी है एक गुणा उसकी घात में 8 सेकंड। तो उत्तेजित अवस्था से संक्रमण, उत्तेजित फोटोन की आवृत्ति में अनिश्चितता ज्ञात कीजिए। तो ऊर्जा और समय संबंधित आपको ये मान दिया हुआ है, तो देखिए हल करते हैं। तो आइजनर की अनिश्चितता सिद्धांत से आपको निकालना है डेल न्यू का मान, कि फोटोन की आवृत्ति में अनिश्चितता क्या होगी। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि हाइजेनबर्ग क्या कहता है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत से क्या होता है, डेल ई इंटू डेल पी, ऊर्जा में और समय में यही बताया हुआ है एच क्रेट अपॉन टू। अब आपको इतना पता होना चाहिए इससे संबंध मान निकालते हैं, तो डेल टी डेल ई एच क्रेट अपॉन टू इंटू डेल पी, डेल ई एच क्रेट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो रखिए आप देखिए हल करते हैं 1.054 लिख देता हूँ, क्योंकि एस्पेक्ट की जो वैल्यू होती है 1.054 गुणा 10^4 मैं 34 जूल सेकेंड, इसलिए डेल ई बराबर 1.054 गुणा 10^4 मैं 34 टू इंटू डेल टी गुणा 10^4 मैं 8, डेल ई की वैल्यू कितनी आ गई 0.527 और 10^6 में 60 ऊपर जाएगी प्लस किए 26 रह गए, 10^6 माइनस 26, ठीक है। ये आपके पास ऊर्जा का मान आ गया, ठीक है ना, ऊर्जा का मान किस में होता है, जूल में। अब इसकी सहायता से आवर्ती ज्ञात कर सकते हैं, चूंकि डेल ई बराबर क्या होगा एच न्यू, डेल न्यू इसलिए एच डेल न्यू बराबर ग्राफ के लिए देती है 0.527 गुणा 10^6 माइनस 26, डेल न्यू की निकालेंगे 0.527 गुणा 10^6 माइनस 26 अपॉन एच, एच प्लांग नियतांक होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.62 गुणा 10^6 में 34 जूल सेकेंड, इसलिए डेल न्यू की वैल्यू निकालते हैं 0.527 गुणा 10^6 में 26, 6.62 गुणा 10^6 में 34, इसको हल कर लीजिए। हल करोगे तो क्या आंसर आता है, देखिए ये आपकी आई लगभग 8 गुणा 10^6 6 लगभग, इसका जो आंसर आएगा 8 × 10^6 होता है हर्ट्ज, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसमें आवर्ती में जो अनिश्चितता है वो ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना। तो हमें क्या क्या दिया हुआ था वो आप देख लीजिए, कि किसी परमाणु में उत्तेजित ऊर्जा स्तर का आयु काल था डेल टी की वैल्यू दे रखी थी, और उत्तेजित अवस्था से संक्रमण उत्तेजित फोटोन की आवर्ती में अनिश्चितता ज्ञात करनी थी, अर्थात डेल न्यू की वैल्यू ज्ञात करनी थी। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ऊर्जा से संबंधित है, तो ऊर्जा से संबंधित हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत ये था या नहीं था, ऊर्जा और समय से संबंधित, ठीक है ना, स्थिति में और संवेग में पीछे वाले टॉपिक में बताया था, पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था, अब ऊर्जा में और समय में
तो देखिए ऊर्जा और समय में ये अजीरों के अनुसार सिद्धांत बताया गया आपको। यहाँ से डेल ई की वैल्यू याद करते हैं, आवर्ती बाद में याद करेंगे, पहले ऊर्जा याद कर लेते हैं। तो इसके अनुसार डेल टी बाद में चला गया, इनकी जो वैल्यू है वो रखी है, ठीक है। इसका मान फिक्स होता है स्कट का, तो ये रहा, ठीक है। डेल ई की वैल्यू आ गई या नहीं आ गई। इसी प्रकार फोटोन ऊर्जा सूत्र क्या कहते हैं, डेल ई का वैल्यू शून्य होता है तो डेल यू लिख दिया, क्योंकि हमें आवर्ती परिवर्तन देखना है। एच फिक्स होता है, इसमें डेल बदल आ जाना, ये परिवर्तन नहीं होता है। तो आपके पास डेल ई की वैल्यू ये थी, ये थी, कोई दिक्कत नहीं है। डेल यू निकालेंगे एच का जाएगा बाद में, और एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.62 और 10 की घात में 34, ये रख दो बाद में, एन 16 को क्या जाएगा आपके पास डेल यू का मान 8×10⁶। इस प्रकार हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत से हम आवर्ती में जो परिवर्तन हो रहा है आया आवर्ती में जो अनिश्चितता है उसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो शायद न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे, ठीक है। प्रत्येक टॉपिक के साथ उसका न्यूमेरिकल मैंने आपको करवा दिया है। नेक्स्ट अध्याय देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना शायद काफी है। ओके, गुड बाय।